अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मानसून का मौसम चल रहा है और कराची में बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो बारिश जैसे ही तेज़ हुई, मैं और बाबा निकल गए बाहर बारिश का मज़ा लेने। हमने खूब इंजॉय किया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और फुल कीचड़ में भी होकर आए हम। बारिश में चलते चलते इतनी दूर चले गए कि हमें पता ही नहीं चला। और जैसे कि आप देख सकते हैं रोडों पे कितना पानी जमा हुआ हुआ है। मैं तो दुआ कर रही थी कि बारिश रुके ही नहीं, होती रहे होती रहे होती रहे और मैं अपने मज़े करूं। बारिश में काफ़ी इंजॉय करने के बाद हमें लगी भूख और हमने उधर इधर देखा तो हमें एक बहुत ही करीबी ढाबा देखा जहां पर हम चल पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं रोडों पे कितना पानी जमा हुआ है, इसकी वजह से मैं बिल्कुल पेंगुइन की तरह चली थी संभल संभल के, वरना मेरी टांग पे कुछ लग सकता था। अब हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर दे दिया है, अब हम वेट कर रहे हैं। अंकल के पास बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए थे जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर बहुत लेट होता जा रहा था और मुझे भूख लगना बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। और काफ़ी देर के बाद हमारा आ गया आलू का पराठा और चाय। फिर बहुत गर्म हो रहा था जिसकी वजह से मेरे बाबा ने मुझे तोड़ के दिया। उसके बाद मैंने केचप से लगा के खाया मज़े से। आलू के पराठे का शेप बिल्कुल मछली जैसा था, इसकी वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको आलू का पराठा नहीं मछली का पराठा कहूँ। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम आलू के पराठे ने क्या मज़ा दिया, वाह। तो आप ही आकर इनके पराठे ट्राई कर सकते हैं। चाय और पराठा एंजॉय करने के बाद हमें नज़र आ गई केयू की शटल बस यहाँ, और हमारे दिल चाहे कि इस पर भी सैर करें। और ड्राइवर तो था नहीं, इसी वजह से बाबा ने बोला मैं ड्राइवर बन जाता हूँ और मैं बैठ गई पीछे की सीट पर और बाबा बैठ गए ड्राइविंग सीट पर। घर जाते जाते बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, मगर हर चीज़ धुल कर बिल्कुल निखर गई थी। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, मुझे बहुत मज़ा आया और हर चीज़ निखर कर तो वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा था और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा।